नमस्कार, मैं राशिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त इंसाफ के बाद। इंसाफ के बाद की टीम मौजूद है फरीदाबाद के लक्कड़पुर में। हम यहाँ जानेंगे जनता से क्या कुछ समस्याएं हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से कि लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं। तो इसी दौर में आज हमारी टीम जो है वो फरीदाबाद पहुंची, तो हम लोगों से जानेंगे, बताएं सर क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में। यहाँ पे तो बस पानी और नाले का समस्या ज्यादा है। पानी और नाले का, तो इसको लेके आपने कभी शिकायत किया? बहुत बार शिकायत हुआ। क्या कहते हैं? कुछ सुनता ही नहीं है। क्या कहते हैं? सुनते नहीं है तो क्या कहें? बिल्कुल बताएं क्या कुछ समस्याएं हैं। अरे वही यहाँ पे पानी का है, खरंजा का है, नाली का है, कोई काम नहीं हुआ। ये अंदर करोड़ प्रजाति को देखने नहीं आता, कोई नेता नहीं आता यहाँ पे, कोई बोलते नहीं, कुछ नहीं कहे, किसी को जाओ कोई मिलने को राजी नहीं है। समस्याएं यहाँ पे हर तरह की हैं। पिछले 32 सालों में यहाँ कुछ नहीं बदला, सिर्फ जनसंख्या बढ़ी है, नालियाँ वैसी टूटी हुई हैं, लोग बिना बारिश के भी कीचड़ में चलते हैं, नालियाँ सारी कच्ची हैं। आप उस रोड पर जाएंगे, मेन रोड पे सारा पानी बाहर रोड पर ही बह रहा होता है, कोई सुविधाएं नहीं है। इतने सारे यहाँ पर नेता बदले हैं लेकिन यहाँ कॉलोनी में कुछ नहीं बदला। जो भी नेता छोटा मोटा यहाँ से उठता है, पार्षद हो या फिर दूसरा मंत्री कोई हो, लक्कड़पुर में सुविधाएँ हैं लेकिन लक्कड़पुर कॉलोनी में कोई सुविधाएँ नहीं है। बिजली गर्मी आती है यहाँ पर 10 बार बिजलियाँ कटती हैं। छोटे छोटे 15 साल के बच्चे हैं, 18 साल के लड़के हैं स्कूल के, वो पता नहीं कहाँ से गांजा खरीद के गली गली में गांजा पी के नशे में घूम रहे होते हैं। जनसंख्या यहाँ की, शिकायत किससे करी जाए? सब यहीं, यहाँ का प्रशासन नहीं सुनता बिल्कुल। यहाँ का प्रशासन अगर सुनता तो देखता नहीं क्या? प्रशासन को पता नहीं है यहाँ गली गली में गांजे बिक रहे हैं, नशे की चीज़ें बिक रही हैं, कॉलोनी में तो ठेके खोल दिए हुए हैं, किसी को अगर चाहिए तो रात में भी जाके ले लेता, छोटा बच्चा भी किसी को मना नहीं है यहाँ पर। यहाँ कुछ नहीं बदला 32 सालों में, 32 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, कुछ नहीं बदला है। बस ये इलेक्शन के नाम पर ये 32 सालों में ये बिछा दिए हैं पट्टियाँ, कहीं बिछाई हैं कहीं नहीं बिछाई हैं, ये पत्थर बिछा दिए हैं। तो थोड़ी नाली वाली गंदगी रहती है, पानी वाली थोड़ी दिक्कत रहती है, ये बात है बस। तो इसको लेकर आपने कभी शिकायत किया है? शिकायत करते रहते हैं लेकिन सुनाई कम होती है। सर ये नाली सही नहीं सुधरी है नहीं, यहाँ सुबह के टाइम में पूरा गोबर बहता रहता है, पानी पूरा रोड पे भरा पड़ा है। इसको लेकर आपने कभी शिकायत किया? शिकायत कही हुई है, कुछ भी नहीं हो रहा जी। क्या कहते हैं? हो जाएगा हो जाएगा, हो ही नहीं रहा कुछ भी। कहाँ शिकायत आप? पार्षद को भी कर दिया, ऊपर निगम MLA के पास भी लेटर भिजवा दिया, सब जगह करवा दिया, कुछ नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं। तो क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या जो इन्होंने बताया वही समस्या है कि आप देख रहे हो नाली में पानी है। पानी वगैरह कैसा आ रहा है? पानी बस सो है, ठीक। बिल्कुल, मैं एक बार बोलूंगी, थोड़ा कैमरा ये करें और दिखाएं किस प्रकार यहाँ साफ सफाई नहीं है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि साफ सफाई जो है वो यहाँ नहीं किया जाता है। यहाँ पे विकास नहीं है, विनाश है। यहाँ लेटरिन का पानी बहता है, प्लस आपका सीवर का काम ओके नहीं है। आगे से जो कॉलोनी के जो विकास करा इन्होंने जोड़ दिया वहाँ पे पाइप। अच्छा, मुझे ये बताइए ये जो नाली खुली पड़ी है ये कब से खुला? अक्सर खुली रहती है, ये खुली जाती है हमेशा, आते हैं डंडा मारते हैं थोड़ा पानी वो कर देते। बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती है। बिल्कुल होती है, स्कूल के बच्चे नहीं जाते। अगर किसी के पास इस गली में अगर 4-व्हीलर हो कार हो तो वो फिर कैसे जाना? वो बड़ी मुश्किल है मैम, यही तो है। और ये जो चैम्बर का जो काम है यहाँ पे वहाँ तक नहीं हो रखा, यहाँ से वहाँ ज्वाइंट नहीं हो रखा। कब से नहीं हो रखा ये? कम से कम 2 साल हो गए। ये 2 साल से आप कह रहे हैं ऐसी? हाँ हाँ ऐसी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कॉलोनी के जिनके अंडर में काम हो उनका कुछ प्रोग्रेस नहीं है, बस कहने को नाम को है कि यहाँ पे कॉलोनी में विकास हो रहा है लेकिन विकास नहीं हो रहा, विनाश जा रहा है। क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र? समस्या यही है और क्या है, रोड नहीं दे रहे, कैसे खंडक हो गया, ऐसे पूरा पानी भर जाए। तो लेकिन कभी शिकायत क्या की हमारे यहाँ? शिकायत कितना करें, जो कोई आता बस ऐसे चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। और क्या शिकायत? कोई कुछ नहीं करता। अरे नाली नहीं है ना सड़क वड़क है, पानी की सबके दिक्कत है। कैसे करते हैं? टंकर मंगाते हैं हम लोग। तो लेकिन नगर निगम में शिकायत या फिर और कहीं शिकायत? वही है, पानी नाली नहीं है। हाँ, एक आदमी 10 आदमी से करो तब तक होगा। हाँ, क्या व्यवस्थाएं कैसी है हमारे शहर की, क्षेत्र की, हमारे इलाके की? हमें तो पानी की दिक्कत हो तो कोई दिक्कत है नहीं, पानी की, पीने वाले ये पानियों की और ये रोडों की। यहाँ पे चलने में बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, इतने इतने पानियों में ले जाते हैं, सभी चीज की और लाइट की सभी चीज की दिक्कत ही है यहाँ। तो 3 चीज की तो ज्यादा है, रोड, लाइट, पानी, ये तो ज्यादा है। सर
बहुत बेकार है, ना पानी की सुविधा है ना किसी चीज की। अभी भी फिलहाल में ये अभी रोड सही हुआ है, नहीं तो कितने सालों से मैं बच्चों को लेके आया, पानी भर जाता था, बारिश होती थी। तो बताएंगे आंटी जी क्या कुछ समस्या है आपके क्षेत्र की? यहाँ क्षेत्र की समस्या है वही है जो पानी भरा पड़ा है, रोड खराब है, गंदे पड़े हैं, हर जगह गंदे पड़े हैं। इसको एक शिकायत यही निकल नहीं पाते है, बच्चे पढ़ने आते हैं, दिक्कत तो यही है ना। अच्छा मैं जानना चाहूंगी ये बताएं, सबका कहना है कि यहाँ पे पानी भर जाता है, तो बारिश के दिनों में बच्चे स्कूल जाना आना कैसे करते हैं? वो तो बड़ी मतलब समस्या सबसे ज्यादा गंभीर है, ये पानी इतना भर जाता है कि बच्चों को आना जाना मुश्किल हो जाता है। और बाकी क्या कुछ समस्याएं हैं इसके अलावा, पानी के अलावा? अब मैं तो ये गली और पानी की समस्या है, बारिश होने में पूरा पानी भर जाता है, पानी ज्यादा है, नली में पानी आते हैं, बेकार पानी फालतू बारिश के जम जाते हैं। कैसे करते हैं मतलब बारिश के दिन कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं, हिल के जाते हैं, और कैसे जाएंगे? यहाँ गाड़ी लगी रहे क्या आके जाए? बच्चे को उठा के ले आते हैं स्कूल गोद में पकड़ के। सारी समस्या है यहाँ पे, रोड अच्छे नहीं है, पानी सही नहीं है यहाँ पे, क्या समस्या, सारी समस्या है पे। पानी के लिए दो दो चार चार महीने इंतजार करना पड़ता है, और पढ़ाई की इतनी महंगी फीस, जो इतने गरीब इंसान है, इतनी महंगी महंगी फीसें देनी पड़ती है, ट्यूशन का फीस, स्कूल का फीस, स्कूल इतने महंगे फिर भी ट्यूशन दे के फीस देनी पड़ रही है, स्कूल का फीस देना, यहाँ रोड देखो इतनी दूर दूर से बच्चे को हम लेने आने पड़ते हैं, कि सारी समस्या यहाँ पे। पानी देखिए, बिस्लरी के पानी से नहाना पड़ रहा है ले लेके हमें, यहाँ पे पानी यहाँ पे है ना, पानी की सुविधा है किसी, आप कह रही हैं बिस्लरी के पानी से नहाते हैं? हाँ, 10-10 रुपए का पानी लेके नहाना पड़ता है बिस्लरी के, यहाँ पानी की चार चार पाँच पाँच महीने तक पानी आता है यहाँ पे, चार चार पाँच पाँच महीना। हाँ, तो इसको लेके आपने कभी शिकायत किया कि कोई नहीं सुनता है यहाँ, कोई नहीं, यहाँ सरकारी पानी का भी इंसान पैसा लेता है, कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे किसी चीज की, कि हाँ मतलब कि अगर यहाँ पे पानी नहीं है, स्कूल की सुविधा नहीं है, किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे किसी चीज की। यहाँ तो इंसान अगर गरीब है तो मर रहा है, जितना गरीब और गरीब हो रहा है, कोई अमीर थोड़ी हो रहा है। मेरा एक दो बच्चे हैं, क्या मैं यहाँ बच्चे को पढ़ा पाऊंगी? अगर इसके 8,000 रुपए में सालाना देती हूँ तो क्या मैं यहाँ बच्चे को पढ़ा पाऊंगी दूसरे बच्चे को? नहीं, अगर एक गरीब इंसान की 8,000 रुपए तनख्वाही है तो दोबारा थोड़ी वहाँ दूसरे बच्चे को पढ़ा पाएगा, फिर वो सरकारी मजबूरी में डालेगा, नहीं पढ़ा पाएगा। कोई सुविधा नहीं है, किसी चीज की सुविधा नहीं है। 10 साल सरकार बने हो गई, बीजेपी की मंत्री भी हमारे, विधायक भी हमारे मंत्री, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, मूल रूप से कोई सुविधा नहीं है, रोड से लेकर पानी सारी चीज समस्या आई है। आप इसने रोड नहीं देखा था, ये 4 दिन पहले ही बना है, यहाँ से कोई निकलने वाला नहीं होता, 6 महीने तक बच्चे गोदियों में उठा उठा के लाए बच्चों को। क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र? पानी नहीं है, क्या करें, बहुत परेशानी है, कोई सुनते ही नहीं है, ये लाला नेता है भी नहीं सुनते, क्या कहते हैं, कहते हैं आ जाएगा, बस देते देते है नहीं है कुछ भी, बस 150 रुपए महीना ले रहे हैं, 22 दिन में पानी दे रहे हैं। जी बताएं क्या कह रहे हैं? हमारे खान में आ जाना, खान में वहाँ भी पानी नहीं है, एक महीना हो गया पानी नहीं है। तो आपने सुना किस प्रकार लखनपुर की जनता साफ तौर पे कहना है पानी की समस्याओं को लेकर जूझ रही है। इनका साफ तौर पे कहना है कि महीने हो जाते हैं, हफ्ते हो जाते हैं, इनफैक्ट बिस्लरी का पानी खरीद के ये नहाना धोना अपना गुजारा करते हैं, पानी नहीं आता। अगर मैं बात करूँ सड़कों की, तो यहाँ पे साफ तौर पर लोगों का कहना है कि सड़क भी अच्छी नहीं है, बारिश के दिनों में सड़क पे जलभराव हो जाता है। बाकी तमाम तरह के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहे, कैमरा पर्सन जुबैर के साथ, मैं राशिका, इंसाफ की बात, फरीदाबाद।